सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए, आई हो गया 44 पैसा, 42 पैसा, 45 पैसा, 64 पैसा सबसे बड़ा है, आंसर डी नंबर। फिर से पहला में कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए दूसरा तो डेसिमल में है ही, आप 25 का रूट 5, एक अंक पहले डेसिमल होगा, आ इसको रेकरिंग में कन्वर्ट कर लीजिए, 21 में 2 घटाइए 23, आ यहाँ डेसिमल, आ एक अंक पर रेकरिंग, यहाँ 19 है तो एक ही अंक पर ना रेकरिंग रखिएगा, आज इस पर नहीं रखना उसको जोड़ना पड़ेगा, तो 2 3। अब देखिए क्लियर हो गया, 36 पैसा, 25 पैसा, ये आपको यहाँ पर एक जीरो आप दे सकते हैं, 50 पैसा, और ये कितना 23 पैसा। चलिए फिर से एक बार देख लिया जाए, ए का आंसर निगेटिव की पॉजिटिव, इसलिए कि पावर में 3 है, ऑड नंबर है तो निगेटिव, बी आपको पावर 2 है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव, सी आपको पॉजिटिव तो है ही, और डी का भी पावर 2 है तो ये भी क्या चीज पॉजिटिव, तो इसमें सिर्फ ए निगेटिव है तो ए सबसे छोटा है, तो ए सबसे लास्ट में कि सबसे शुरुआत में, सबसे लास्ट में, तो कौन ऑप्शन में है, तो आंसर हो गया। और मान लिया जाए कि और में भी रहता तब फिर ऐसे देखते, सबसे बड़ा कौन है डी, और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे शुरू में डी होना चाहिए और सबसे लास्ट में ए होना चाहिए। और मान लिया कि और दो चार ऐसा रहता तब फिर हम निकाल भी लिए हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, हम क्लियर भी कर लिए हैं। चलिए ए में कोई दिक्कत है, 99 है तो 3 पर रेकरिंग नहीं रखना है, तो 3 को जोड़ दिए 308 हो गया, 19 है तो 3 पर रहेगा 5 पर नहीं रहेगा, 5 जोड़ दिए 58 हो गया, यहाँ 99 है तो राइट साइड से 2 अंक पर रहेगा, जिस पर नहीं रहेगा वो 4 है, तो 4 को जोड़ दिए इतना हो गया, लेकिन सी में वो ऐसा नहीं है, सी में चेक करना पड़ेगा, तो किस पर रेकरिंग नहीं रखना है, 45 पर, तो 45 जोड़े तो यहाँ क्या हो गया 49, तो अब 49 जोड़िए, ये देख रहे हैं कितना आ गया, तो फिर एक बार और बनाना पड़ेगा, आप जोड़े 49, यहाँ क्या हो गया 50, तो 4 यहाँ हो गया 3, यहाँ कितना 0, यहाँ कितना 5, अब देखिए दोनों क्या चीज़ है बराबर है, तो सही आंसर यह होगा 503, पहले डेसिमल और रेकरिंग के अंक पर एक अंक पर, तो यह बोलिए ऑप्शन ग्रेटर देन में है कि लेस देन में, शुरू में बड़ा वाला कि छोटा वाला, बड़ा वाला, तो इसमें पढ़िए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा बी, यहाँ देखिए 30 पैसा, 58 पैसा, 50 पैसा, 45 पैसा, सबसे बड़ा कौन है बी, और सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है ए, तो शुरू में बी या लास्ट में ए, देखिए कौन ऑप्शन में है, बी और सी में, बी और सी में, बी में और किस में, तब तो थोड़ा एक स्टेप और देखना पड़ेगा, तो बी के बाद बड़ा कौन है सी, तो बी के बाद सी है, बी के बाद, तो आंसर हो गया बी नंबर, 2 अंक पर, किस पर, किस पर, राइट साइड से 2 अंक पर, किस पर नहीं रहेगा, तो 413 में 4 जोड़िए तो 0.417 इतना होगा, इसमें दिक्कत नहीं है, जिस पर 2 अंक पर नहीं रखना है ना उसमें थोड़ा सा ट्राई करना पड़ता है, इस सब में किसी में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, किस पर नहीं रखना है तो 423 में 4 जोड़िए 427, किस पर नहीं रखना है 4 को जोड़िए, चले इसमें दोनों पर रखना है तो 0.4343 पर रेकरिंग, तो आपको क्या चुनना है बड़ा आप देख लीजिए, तो आंसर हो गया सी नंबर। चलिए याद करिए ऐसा क्वेश्चन कैसे बताते थे, 2 का पावर 1/2, 3 का पावर 1/3, 4 का 1/4,
फाइव का वन बाई सिक्स एलसीएम निकाल के बनाते थे। तो टू थ्री फोर सिक्स का एलसीएम सब में 12 से गुना कर दिया जाए, एलसीएम बड़ा आता तब दो दो को लेके बनाते, ये टू का पावर सिक्स ये चार बार कटेगा, थ्री का पावर फोर ये तीन बार कटेगा, चार का पावर तीन ये दो बार कटेगा, 25। आपको क्या निकालना है? तो आंसर हो गया बी नंबर। चलिए यहाँ हिडन क्या है, तो दो तीन चार का एलसीएम बोलिए। अब 12 में हम ये दो से भाग दिए तो 6 का पावर 6, 12 में तीन से भाग दिए 5 का पावर 4, अब 12 में चार से भाग दिए 8 का पावर 3, अब 6 का पावर 6, 5 का पावर 4, 8 का पावर 3 सबों में बड़ा। तो अब इसका कंपैरिजन इससे अभी नहीं कर सके हैं, तो इसका कंपैरिजन किए नीचे, तो रूट अंडर 6 अब फिफ्थ रूट 7। अब यहाँ पर 2 और यह 5 का फिर एलसीएम बोलिए, तो 10 में यहाँ नहीं कुछ है तो 2 से भाग दिए 5 और 10 में 5 से भाग दिए 2, अब 6 का पावर 5 बढ़ा कि 7 का पावर 2 बढ़ा, तो 6 का पावर 5 बढ़ा। बोलिए ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाते थे, एससीएफ निकाल के ऐसा क्वेश्चन बनाते थे एससीएफ निकाल के। तो यह 60 48 36 24 का एससीएफ बोलिए, 12, तो 12 से भाग दीजिए, 12 से भाग दीजिए, 12 से भाग दीजिए, 12 से भाग दीजिए, आपको क्या चुनना है, स्मॉलेस्ट तो ये हो गया 2 का पावर 5 32 32, ये हो गया 81, 4 का पावर 2 16, यहाँ गलती ने लिखा गया 3 होगा, तो ये हो गया 64, ये हो गया 25, तो 4 नंबर। सब में 12 से भाग दिए, 12 से भाग क्यों दिए, 12 आपको एससीएफ हो गया, एससीएफ ऐसा में निकालिएगा। चलिए अब आपको पॉइंट में है, तो पॉइंट में है तो थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसको अब सोल्व आपको थोड़ा करना पड़ेगा। तो आइए 32 को तोड़िए 2 का पावर 5, आई 0.6 है तो इसको लिख सकते हैं 6/10, तो ये कटा 2 आया कटा 3, 2 का पावर 3 बोलिए। अगला 16 को लिखिए 2 का पावर, आप 0.75 को लिख सकते हैं 75 बटा कितना 100, तो ये 25 और यह 3, यह भी हो गया आपको 8। चलिए 243 होता है 3 का पावर 5, कुछ टर्म याद रखना पड़ेगा, और यह हो गया 4 बटा कितना 10। चलिए 25 हो गया 5 का पावर 2, आई हो गया 15 बटा कितना 10। तो अब देख लीजिए आपको क्या निकालना है, तो आंसर हो गया 4 नंबर, आंसर हो गया टी। आगे बढ़ा जाए,
तो आइए ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाते थे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बढ़ते क्रम आपको निकालना है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम, आरोही क्रम निकालना है। तो आइए 9 10 यहाँ तक सही है, यह हो गया 14, 14 12, 14 से 12 बढ़ा कि घटा, तो गलती हो गया। चलिए यह 12 या 14 सही है, यह हो गया 10, यह हो गया 9, यहीं गलती हो गया, 10 से 9 बढ़ा नहीं घटा। चलिए यहाँ हो गया 20 21 सही है, 9 10 सही है, 18 15 यहाँ इसके कारण फिर गलत हो गया, 20 21 सही है, 27 25 गलती है, 27 से 25 घटा, तो आंसर हो गया 99। लिख लिया गया, लिखना क्या है, समझना है, किताब में सब है ही आपके। चलिए फिर बढ़ते क्रम चुनना है, तो यहाँ ये 27 35 सही कि गलत, सही, 77 81 सही कि गलत, सही, 63 55 चलिए 27 सॉरी 21 25 सही है, 35 49 गलती गलती, 45 और 49 सही है, ये हो गया 45, ये हो गया 49 बढ़ते क्रम, 77 81 तो बी नंबर टोटल सही है, बी नंबर टोटल सही हो गया। टाइम पर ध्यान है, चलिए यह हो गया 21, यह हो गया 25, तो यह सही है, यह हो गया आपको 45, यह हो गया 49, यहाँ भी सही है, यह हो गया 77, यह हो गया 81, यह भी सही है, यह भी बढ़ते क्रम, यह भी बढ़ते क्रम, यह भी बढ़ते क्रम, इसलिए ऑप्शन हो गया बी नहीं। लास्ट क्वेश्चन, चलिए कौन क्रम चुनना है, हाँ घटते क्रम, तो यहाँ पर देखिए नंबर बड़ा बड़ा है, नंबर बड़ा बड़ा है तो गुना करना टफ है, तो उससे पहले हम लोग क्या करते थे, डिफरेंस चेक करते थे, डिफरेंस नहीं होगा तो गुना में देखेंगे कि ऊपर का नीचे वाला के गुना है, लेकिन पहले क्या चेक करिए, डिफरेंस, तो डिफरेंस बोलिए 11 का यहाँ 11 का यहाँ 11 का यहाँ 11 का, तो सब में डिफरेंस सेम है, तो सेम डिफरेंस होता है तब, बड़ा वाला बड़ा छोटा वाला छोटा, तो सिर्फ ऊपर में देखिए 53 79 23 59 क्या घटते क्रम है, 79 57 53 23, तो आंसर हो गया सी नंबर। चलिए 79 से 57 बढ़ा कि घटा, 57 से 53, 53 से 23, तो घटा या घटते क्रम में, इसलिए ऐसा सोचे कि ऊपर नीचे का डिफरेंस सब में सेम था।